नमस्कार दोस्तों, विवेक डॉट इन में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार, मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस, एक है यहाँ पर रियलमी का C33, दूसरा है लावा का युवा प्रो। और आज मैं करने वाला हूँ दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और हम देखेंगे किस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको फास्ट देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के हार्डवेयर की। तो दोस्तों बात करें दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की, देखिए सबसे पहले दोनों ही फ़ोन में गो एडिशन है। रियलमी C33 में आपको मिलता है यहाँ पर रियलमी का UI वर्जन S एडिशन, हालांकि ये गो एडिशन ही है। साथ ही लावा युवा प्रो में भी गो एडिशन आपको दिया गया है। बात करें प्रोसेसर की, तो रियलमी C33 में आपको मिलता है टाइगर सीरीज 612 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि वर्क करता है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। इसकी दो कोर है 1.8 GHz कॉर्टेक्स A75 की और 6 है 1.8 GHz कॉर्टेक्स A55 की। वहीं बात करें युवा प्रो की, तो यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो का A25 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये भी 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसकी 8 कोर 1.8 GHz कॉर्टेक्स A53 की हैं। यहाँ पर GPU है PowerVR GE8320 और OS आप देख ही चुके हैं, दोनों फ़ोन में एंड्रॉइड 12 यानी कि लेटेस्ट OS आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था दोनों फ़ोन का हार्डवेयर। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के स्पीड टेस्ट की, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दोनों डिवाइस में देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हम उनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। उससे पहले आपको दिखा दें दोनों फ़ोन की रैम, और यहाँ पर जो भी होगा उसको कर लेते हैं क्लियर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर दोनों फ़ोन की रैम क्लियर है, बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन था जो कि है हमारा टेम्पल रन 2। तो हमने यहाँ पर लॉन्च करे दोनों फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी और नेटिव एप्लीकेशन, और आपने देखा यहाँ पर रियलमी C33 लावा युवा प्रो से प्रोसेसिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो वो भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर कितने एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन टेम्पल रन 2 से, और देखते हैं क्या रिजल्ट है यहाँ पर। तो दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, देखें नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है हमारा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर पॉप शूटर, और चेक करते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर है। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा ब्लॉक पजल, दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉप शूटर, सॉरी बबल शूटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लावा युवा प्रो के बैकग्राउंड पर है, जबकि रियलमी C33 के बैकग्राउंड से ये हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर लूडो किंग, जो कि दोनों ही डिवाइस के बैकग्राउंड पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर सबवे सर्फ, और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये भी अवेलेबल है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर स्मैश इट, और यहाँ पर ये भी धोनी फोन के बैकग्राउंड पर अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन जो है हमारा यहाँ पर हीरो शूटर, और देख सकते हैं आप धोनी फोन के बैकग्राउंड पर ये भी बना हुआ है। तो स्पीड के मामले में रियलमी C33 फास्ट है, इसमें नो डाउट, लेकिन रैम मैनेजमेंट में धोनी फोन लगभग सेम परफॉर्मेंस आपको दिखाते हुए दिख जाएंगे। तो आज की स्पीड टेस्ट का विनर है रियलमी C33, और ये था हमारा रियलमी C33 और लावा योवा प्रो के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।